Sun.
नानक बखान गुरु बचन जान नानक बखान गुरु बचन जान तीने ताप निवारण हारा सुख हंता सुख पाए दुख हंता
तू ठाकुर तुम पे अरदास। गुरु नानक दे घर विच आस ते अरदास बड़ी मानता है दी। गुरु के प्यारे गुरु का सिख जिहड़ा गुरु नानक नूं प्यार करदा उहदे चरणां च अपने आप नूं समर्पित करदा है ना, वह कभी मानसिक तौर पर उदास नहीं हो सकता। जीवन जिदा भी समा आ जाए, जिस तरह कि मेरे वीर मेरे अजीज स्टेज की पहले सेवा संभालते पे सन, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, जीवन च बड़े उतार चढ़ाव आए, बड़े मौके देखे उन्होंने, दासरियां दे पिता ते दास बहुत नज़दीक सी। 1984 तो बाद जिहड़ी बिपता जिहड़ा समा बनिया सी उस वक्त, उस समय तो बहुत नज़दीक होए। तो 82 दी मैनूं अज इत्थे आके एक चेते आ गई, एक ऐसी गल कमाल दी, जदों मैं बाहर पोस्टर देख रहा सी गुरप्रवासी ज्ञानी अनूप सिंह जी, वह मुस्कुरांदा होया खिड़िया होया चेहरा। 82-83 विच असीं तकरीबन उत्थे इंग्लैंड विच सी, पहला टूर सी साडा उत्थे, ते शायद ज्ञानी जी उस वक्त इस टाइम गुरुद्वारे विच मेरा ख्याल गुरु के वजीर सन, ते उन्होंने पता लगा कि भाई मंगल सिंह जी दिल्ली तो गुरुद्वारा सीसगंज साहब तो आ रहे ने, भाई संता सिंह जी दे शागिर्द ने, बड़ी उचेच की उन्होंने, बहुत उचेच की। हाले कि संगतां उत्थे बड़ा सवाया होंदियां सन, पर उन्होंने खुद फोन कर करके जां उन्होंने नाल जा के बड़े सोहने प्रबंध, बड़े सोहने तकरीबन 4-11 महीने रहे सी, 4 दे करीब या 5 दे करीब असी हफ्ते उत्थे लगाए सी अलग अलग समय दे विच, पर दिता हुआ उन्होंने प्यार वो असीसा वो बख्शिशा अज मैं चेते आ रही ने। जो उन्होंने मैं परिवार देखा इतने आके मैं पता लगा इतने महान पवित्र स्थान पर जिते भगती का सोमा भगत जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्यार रखण वास्ते तुसी इतने एकत्रित होकर बैठे हो। मैं संगत विच हुणे भी देख रहा सी मेरिया भैणा मेरिया अजीज मेरे मेरे वीर धौणा सिद्धियां करके पिठ सीधी करके इतने टिका दे नाल बैठे सन, बड़े जुने सोहने नज़ारे नज़र आते पे सन। तो वीर जसबीर सिंह जी, वीर जतिंदर सिंह जी, तो मेरे वीर तलविंदर सिंह जी, इन्हों के दर्शन तो हुए सन उत्थे भी मस्कीन जी के उस स्थान पर, बड़ा प्यार दिता। तो वह संस्कार जोड़े इन्हों परिवारक तौर पर मिले वो इतने मैं नज़र आ रहा, जो मैं पता लगा कि सारा समागम बड़े लंबे समय तो संगतान जोड़ते हैं। दो गल्लां करके केवल दो शब्द छोटे छोटे 5-5 मिनट दे, क्योंकि दासरियां तो बाद भी बड़े विद्वान अच्छे कीर्तनियां ने हाजरी भरनी है, तो जितना समा निश्चित किया उन्ना ही हुक्म, बड़े सारे पौड़ियां चढ़ते चढ़ते बड़े शब्दों का हुक्म हो गया सी। पर जिहड़ी गल मैनूं चंगी लगी, सहस्तारी वीर जिस स्थान पर मैं नज़र करदा ना देखदा भावें किहड़े भी स्थान पर, उन्हां दे विच एक खूबी देखी है, मैं समझदा सानूं सब नूं अपनानी चाहीदी है। जिथे उन्होंने श्रद्धा जिथे उन्होंने घर में गुरु नानक के प्रति प्यार भावना सब की आँदी अपनी अपनी जगह, पर एक चीज़ जी साडे मुकती जा रही है, ज्ञानी जी भी बैठे ने जरूर महसूस किया होगा कि सहजधारी परिवार का घर का व्डे तो लैके छोटे तो लैके बच्चा नौजवान कोई भी मिल जाए जड़ा उदा फतेह बुलाण दा या सत श्री अकाल बुलाण दा जड़ा अंदाज है ना किते भी देख लैण निमके निम्रता दे नाल वो दिल विच बहुत सत्कार जगांदा उन्हां दे प्रति। हुण मैनूं इह कहिंदे भी अजीब लगता है कि कई बार साडे वीर देख के, क्योंकि सत्कार बाणी बने दा हुंदा है, लागे निकल जांदे ने, असीं फतेह बुलाने हाँ पर अग्गों जवाब तक नहीं कई बार आंदा, फतेह गुरु दी हुंदी है। जिहड़ी चंगी चीज़ है उहनूं अपनाओ, उस प्यार नूं श्रद्धा नूं, समा नहीं है नहीं तो बहुत सारिया गल्लां करन दा दिल करता है। सो तह दिल तो मैं धन्नवादी हाँ जिथे भाई साहब भाई सुरजीत सिंह रसीला जी का, जिन्हां दे सदका इस स्थान दे प्यार भी होया, तो मेरे वीर जिन्हां ने मौका दिता इस संगत दे चरण पड़सन दे, बहुत बार आए हैं फरीदाबाद पर इस स्थान पर पहली बार, और इत्थों दी संगत दी जो मैं भावना देखी टिक के बैठ के प्यार के निम्रता दे नाल, ते जिन्ने भी कीर्तनी आते हैं जितने प्रचारक आ रहे सब का माण करते पे हो, दोनों तरफों प्यार दे नाल भी असीस वजो भी ते हर पक्ष तो,
ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੱਟਾ ਸਵਈਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਔਖੀ ਕੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਰਤਨ ਪੁਰਾਤਨ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਹ ਰਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸੁਣੋਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਇਤ ਓਤ ਸਦਾ ਪਰਸਿਓ
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀਆਂ ਪੋ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ।